नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा, अशोका डोमल जोंत्रा हिमाचल प्रदेश से, और मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारा पावर बीटर होता है उसका रिकॉइल स्टार्टर जो होता है, ये रस्सी खींचने वाला। ये आपका अगर रस्सी टूट जाए तो आप इसको किस तरह, इसकी जो ये रस्सी है उसको किस तरह से डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस रिकॉइल स्टार्टर की रस्सी आप किस तरह से डाल सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए जो है 10 नंबर का टी गोटी, अगर आपके पास रिंग स्पैनर है रिंग स्पैनर से भी खोल सकते हैं। मैं यहाँ टी गोटी से खोलूंगा इसको। तो ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो है ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 नट जो है ये खोलने हैं और ये जो पोर्शन है ये बाहर आ जाएगा, फिर आप इसमें रस्सी आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए, ये 1 नट खोला मैंने, ये दूसरा नट, दूसरा नट खोला, ये तीसरा नट खोला और ये चौथा नट खोल दिया हम, और ये जो हमारा स्टार्टर है वो जो है वो बाहर आ गया है। ये देखते हैं आप, जो हमारा स्टार्टर है वो बाहर आ गया है। अब हमने इस स्टार्टर में तो रस्सी डली हुई है, पर मैं आपको डेमो के लिए बताऊंगा इस रस्सी को खोल के कि आपको रस्सी कैसे डाल सकते हैं पूरे तरीके से। इसमें तो डली हुई है, ये ठीक है, पर अब इसमें हमने रस्सी डालनी है, इसकी रस्सी टूट गई है तो हम किस तरह से डालेंगे। तो दोस्तों, अब हमें इस खोलेंगे इसको, क्योंकि हमने रस्सी डालनी है। तो देखिए, इसमें लगेगा 12 नंबर रिंग स्पैनर। ये देखिए, ये जो है इसको हमने ढंग से खोल देना है। मैं एक चीज़ को आपको बताना चाहूँगा, इसका जो सामान होगा अंदर का वो ज़रा ढंग से रखें। ये देखिए, ये 1, ये 2 होता है, ये बाचल, और ये अंदर वाली प्लास्टिक की बाचल, ये से, ये देखिए, इसका सारा सामान जो है वो ढंग से खोलिए, क्योंकि इसमें एक भी सामान गुम हुआ तो ये रिकॉइल स्टार्टर जो है वो आपका ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये चौथी आइटम, ये बड़ा स्प्रिंग, ये छोटा स्प्रिंग, और ये जो है ये जैसे आप निकालें वैसे ही साइड में रख लें ताकि आपको इसको लगाने में प्रॉब्लम ना हो। और ये जो है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको बड़े प्यार से खोलें क्योंकि इसके नीचे एक बड़ा स्प्रिंग होता है। अगर आप इसको झटके से खींचेंगे तो वो स्प्रिंग सारा बाहर आ जाएगा, उसको फिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, इसको ज़रा प्यार से खोलें, ये इसका स्प्रिंग जो है ये बाहर आ जाता है, नहीं तो ये देखिए जैसे कि स्प्रिंग जो है इसका बाहर आ गया है। ये देखिए, कई बार दोस्तों ये स्प्रिंग जो है ये भी टूट जाता है तो इसे भी फिट करना पड़ता है। इसको फिट करने के लिए जो है 2 लोग लगते हैं, एक से ये फिट नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताऊँगा इसे फिट करने कैसे करना है। पार्ट जो बना हुआ है इसका, यहाँ पे हमें ये जो ऊपर वो पार्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो फंसना चाहिए इस तरह से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें इस तरह से जो है किसी और की सहायता ले लें, अकेले से ये स्प्रिंग थोड़ा फिट नहीं होगा। इसको अब इस तरह से गोल गोल घुमा के फिट करना है हमें। ये देखिए, इस तरह से ये गोल गोल घुमा के पूरा फिट करना पड़ेगा हमें। ये एक बंदे से नहीं हो पाएगा तो इसे इस तरह से पूरा गोल गोल घुमा के ये फिट होगा। ये देखिए, ये देखिए, जो हमारा स्प्रिंग है वो प्रॉपर तरीके से इसमें फिट हो चुका है। इस तरह से वो फिट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से स्प्रिंग इसके अंदर। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है इससे हम जो हमारी पुरानी रस्सी है उसको निकालेंगे। ये देखिए, ये है पुरानी रस्सी, ये इसको हमने निकाल लिया, ये पुरानी रस्सी को हमने निकाल दिया जो हमारी टूट गई है, और हमने जो नई रस्सी है उसको यहाँ से डालना है अंदर। ये देखिए, इस पोर्शन से अंदर को डालना है और यहाँ बीच से ये निकल आएगी। फिर पिचकस से इस तरह से धक्का दें और ये देखिए, ये रस्सी जो है इस तरफ से बाहर आ गई है। तो यहाँ से हमने इसको खींच लिया है, रस्सी को खींच लिया। अब इसका ये जो पोर्शन है
इसमें हमें एक गांठ दे देनी है। गांठ थोड़ा ढंग से दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो ये रस्सी है अगर गांठ ढंग की नहीं होगी तो ये खुल जाएगी दोबारा। तो हम इसको देखिए इस तरह से गोल घुमा करके यहाँ से थोड़ा पोर्शन ऊपर को उठाया और ये जो है इस तरह की गांठ मैंने दे दी है। इस तरह की गांठ अगर आप दोगे तो बहुत कम चांस होंगे कि आपकी रस्सी जो है वो खुल जाए। ये गांठ दे दी और ये देखिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इतना करना है। उतने करने के बाद अब ये जो रस्सी का दूसरा सिरा है उसको यहाँ से इसके इस पोर्शन से इसके छेद से यहाँ से बाहर निकाल लें। और इसको बाहर निकालने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है उसको जो हमारा ये हैंडल होता है स्टार्टर का उससे बाहर निकाल के इस तरह भी उसी तरह की सेम गांठ, ये देखिए उसी तरह की सेम बिल्कुल सेम गांठ यहाँ देनी है हमें। और ये हमने इस तरफ भी वैसे ही सेम गांठ दे करके इसको यहाँ पे फिट कर दिया। ये देखिए ये अंदर चला गया, ये देखिए पूरी तरह से टाइट हो गया है ये। अब ये सब करने के बाद हमें जो ये है इसका प्लास्टिक का ये राउंड सा, इसको अब इस स्प्रिंग में बिठाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका पोर्शन है, ये जो यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे स्प्रिंग के साथ टच होगा तभी ये राउंड घूमने पे जोर खाएगा। तो हमने इसको इस तरह से डालना है। अब ये देखिए इस तरह से राउंड डालना है ये, और इसको अब चेक करना है। तो ये देखिए अब हम इसको गोल घुमाएंगे, ये देखिए स्प्रिंग वापस आ रहा है। इसको गोल घुमा के स्प्रिंग जो है वो ये जोर खा रहा है, ये देखिए वापस हट रहा है। तो इसका मतलब है स्प्रिंग जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है। ये देखिए स्प्रिंग जो है हमारा वो प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है। ये देखिए हमारा स्प्रिंग जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है। अब हमने जिस तरह से ये खोला था उसी तरह से ये डालना है। ये जो हमने इस तरह से रखे हैं ये सेम इस तरह से रख दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये छोटा स्प्रिंग निकाला था वो वैसे ही सेम डाल दिया। उसके बाद ये जो बड़ा स्प्रिंग था ये यहाँ पे देखिए इस छेद में ये पोर्शन इस तरह से डाल दिया और ये स्प्रिंग इस तरह से आ गया ऊपर को। अब इसके बाद जो हमारा ये बाहर का कटोरा जो है उसे इस स्प्रिंग में घुसा के देखिए, ये जो स्प्रिंग का मुंह आपको उभरा हुआ दिख रहा है, ये स्प्रिंग का मुंह, इसमें ये छेद जो है ये छेद आना चाहिए। तो ये स्प्रिंग के मुंह में हमने छेद ये निकाल दिया और ये इस तरह से, और ये यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इसका स्टार्टर का ये जो मुंह है इस तरफ से इन पोर्शनों से ये निकलने चाहिए बाहर। इसके बाद ये जो दो हमारी बाछड़े हैं ये हमने डालनी है। खोलते वक्त दोस्तों ये ध्यान रखना, जो जो जैसा खोला है उसी तरह से फिट करना है, कोई भी सामान गुम मत करें अपना, नहीं तो ये स्टार्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ये देखिए ऊपर से जो ये नट है वो हमने कस देना है। और ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से कस देना है। ये देखिए दोस्तों, तो हमने इसको कस दिया है। अब इसको कसने के बाद जो हमारी ये रस्सी है इसको हम टाइट कैसे करें, जो ये रस्सी निकली हुई है इस रस्सी को हमने टाइट कैसा करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ये रस्सी को यहाँ से निकालें, ये देखिए यहाँ से निकालें, और ये देखिए ये पोर्शन एक उभरा हुआ होता है यहाँ पे, इसमें रस्सी को फंसाएं और ये ऐसे उठा लिया मैंने। अब इसको उल्टा घुमाएं, इस तरफ को घुमाना है हमने, इस तरफ को उल्टा घुमाना है। ये देखिए इस तरफ से उल्टा घुमाना है, ये घुमाना है उल्टा, घुमाते रहिए ये स्प्रिंग जब तक जोर खाएगा, जितना आपसे घूम पाएगा। ये देखिए
ये देखिए, अब यहाँ से हम इसको निकाल देंगे रस्सी को पूरी बाहर और इसको छोड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, रस्सी वापस चली गई है, ये देखिए। तो हमारा स्टार्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, खींचने पे ये वापस ये बाहर को आने चाहिए, वैसे ही देखिए बाहर आ रहे हैं ये, और छोड़ने पे अंदर जाने चाहिए। तो बिल्कुल सही है हमारा स्टार्टर जो है। तो ये हमने स्टार्टर जो है वो एडजस्ट कर लिया है, अब हम इसे जो है अपने वीडर पे फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने रस्सी डाल ली है इसमें, अब हम इसको फिट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। इस चीज का ध्यान रखना, जो ये खींचने वाला है वो इस तरफ से ऊपर की तरफ को रहे। और ये देखिए, यहाँ पे छेद है, इस छेद में हमने ये नट जो है, चार नट लगने हैं इसमें। ये एक नट, ये नट कस दिया। तो ये चारों नट हमने कस दिए हैं। और ये देखिए, ये देखिए, जो हमारी रोक है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों, हमने जो है वो अपना स्टार्टर जो है अपने वीडर में फिट कर लिया है। तो इस तरह से हम इसकी स्टार्टर की जो रोप है उसे डाल सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारा जो चैनल है अशोक अरोमल जोत्रा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी आपके दिमाग में सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पावर वीडर के बारे में अगर कोई और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो जो है पावर वीडर की वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पावर वीडर की सर्विस कैसे करनी है और पावर वीडर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अशोका एग्रो, किसान का साथी।